Hello friends, Sasikal ji, Salaam, Namaste, I am Naveer Fitness Coach and you are watching my channel Now Fitness. तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्बललाइफ न्यूट्रिशन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जो कुछ ही लोग ये सोचते हैं कि हर्बललाइफ न्यूट्रिशन यूज करने से उनके बॉडी को नुकसान हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल बटन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वहां पे मेरी आईडी है नाउ फिटनेस। दोस्तों अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, उसके शेक्स पीते हैं, तो आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो कहते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करने के साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड अगर वो हर्बल लाइफ के शेक्स पिएंगे तो उनकी बॉडी को उसका नुकसान होगा। इसके पीछे रियलिटी क्या है एंड मिथ्स क्या है, जो धारणा बनी हुई है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। एंड आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप पूरी देखना, ताकि आपको पूरी तरह इसकी नॉलेज मिल सके। आप शेयर भी करना अपनी टीम में, ताकि सबको नॉलेज के साथ आपका जो बिजनेस है वो भी इंक्रीज हो सके। तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है लोगों के अकॉर्डिंग, जो लोग सोचते हैं कि हर्बललाइफ न्यूट्रिशन के साइड इफेक्ट होते हैं, वो आम एक जनरल सुनने को मिलता है कि किडनी फेलियर। जी हाँ, कई लोग कहते हैं कि हर्बललाइफ न्यूट्रिशन यूज करने से किडनी फेलियर हो सकता है। तो जो किडनी फेलियर है, किडनी का खराब होना डिपेंड करता है टू रीजंस पर। अगर बंदे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है एंड अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये मेन रीजन हो सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे अल्कोहल का सेवन करना, शराब पीते हैं, उनकी किडनी भी फेल हो जाती है, एंड या फिर स्टेरॉयड एंड ड्रग्स वगैरह यूज करना, उनकी किडनी भी फेल हो जाती है। तो जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, उसमें ना तो अल्कोहल है, ना उसमें स्टेरॉयड्स है, ना ही उसमें ऐसी कोई चीज है जिससे आपकी किडनी फेल हो। तो उल्टा होता क्या है, जो डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर है, उसके कारण क्या होते हैं, ओबेसिटी, जो आपका मोटापा है वो इसका कारण होता है। तो अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं तो आपका मोटापा कम होगा, उसके कारण आप डायबिटीज जैसे शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, आपको हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, ना कि आपकी किडनी फेल होने का कारण बनेगा। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करके किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। बिकॉज हर्बल लाइफ तो मोटापा कम करने के लिए है, आपको हेल्दी करने के लिए है, इसमें कोई ड्रग नहीं है, इसमें अल्कोहल नहीं है। नंबर दो पे जो साइड इफेक्ट की मिथ है वो है हार्ट अटैक। आप लोगों को भी सुनने को मिलता होगा कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करके हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है। तो जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, उसके जो रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी ओबेसिटी, आपका मोटापा, जिसके कारण जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं, जैसे नाड़े होती हैं, उसके अंदर एक लेयर बन जाती है कोलेस्ट्रॉल की, एंड जब कभी भी वो लेयर है वो फट जाती है, जब पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरीज में, तब हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक होने का भी मेन रीजन मोटापा, ओबेसिटी है, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है बॉडी में, हाई ब्लड प्रेशर है। तो जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर्बल लाइफ के शेक हेल्प करते हैं आपको हेल्दी रखने में, आपके मोटापे को कम करने में, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी सही रहेगा, अगर आपके बॉडी के अंदर फैट नहीं है, आपकी जो आर्टरीज हैं वो फ्री रहेगी, मतलब उन पर प्रेशर नहीं आएगा, तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो भी कम होगा। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हेल्प करती है आपके हार्ट को हेल्थी रखने में। इसके जो फिश ऑयल्स आते हैं, ओमेगा 3 जो कैप्सूल्स हैं, वो भी हेल्प करते हैं आपके हार्ट को हेल्थी रखने में। तो हर्बल लाइफ से आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती नहीं है, आप बच सकते हैं अगर आप सही डाइट खाते हैं, आप अपनी फैट को कम करते हैं, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी चीजों को अवॉइड करते हैं। नंबर 3 पे एक साइड इफेक्ट सुनने को मिलता है, जो वो भी एक मिथ है, वो है हड्डियां खुलने लगती हैं। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करने से जो हड्डियां हैं वो खुलने लगती हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। तो ये भी एक मिथ है, जो हड्डियों की जो कमजोरी होती है वो होती है कैल्शियम की कमी से, अच्छी न्यूट्रिशन प्रोटीन की कमी से। तो जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है वो आपको प्रोवाइड करता है विटामिन मिनरल्स एंड हाई प्रोटीन, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसकी कैल्शियम टेबलेट्स भी आती है, जो आपको कैल्शियम की पूर्ति करता है। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करने से हड्डियां नहीं खुलती है, आप हड्डियां खुलने से बच सकते हैं, आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 4 पे जो साइड इफेक्ट की मिथ है वो है
आपके बॉडी के अंदर डिजेस्टिव सिस्टम के अंदर अल्सर हो जाते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करके। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो हर्बल लाइफ यूज करेंगे तो उनका जो डिजेस्टिव सिस्टम है पेट खराब हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये भी एक मिथ है। जो अल्सर वगैरह जब पेट खराब होता है वो होता है और आपका जो खाना पीना सही नहीं होता है। अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं आपको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा जिससे आपका डिजेस्टिव सिस्टम क्लीन होता है। तो हर्बल लाइफ के शेक यूज करने से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर जाते हैं जिससे जिन लोगों कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है जिसके कारण अल्सर वगैरह इन्फ्लेमेशन हो जाती है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। तो हर्बल लाइफ से पेट की प्रॉब्लम होती नहीं है, आप बच सकते हैं पेट की बीमारियों से जैसे अल्सर होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उन बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप हर्बल लाइफ यूज करते हैं बिकॉज इसमें एक अच्छी न्यूट्रिशन होती है। पांचवे नंबर पे जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करने के साइड इफेक्ट की मिथ है वो भी एक धारणा बनाई है लोगों ने कि अगर आप हर्बल लाइफ यूज करना बंद कर देते हैं तो बाद में डबल आपका वेट रीगेन हो जाता है। तो ये भी एक मिथ है बिकॉज जो फिटनेस एंड हेल्थ है वो एक लाइफस्टाइल है, आपको सीखना होगा कैसे आपने खाना है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है, आपने कितना प्रोटीन लेना है एंड कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने, अच्छी फैट खानी। कई लोग क्या करते हैं कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेने के बाद उसको छोड़ने के बाद वही खाना स्टार्ट कर देते हैं जो पहले, जिसके कारण वो मोटे थे, अनहेल्दी फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, हाई फैट तली हुई चीजें खाते हैं जिसके कारण जो वेट है दोबारा रीगेन हो जाता है। तो आपको सीखना होगा कि आपको हेल्दी रहने के लिए कौन कौन सी चीजें खानी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड फैट्स एंड वाटर का इंटेक आपको कितना करना है। आपको एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना होगा। अगर आपने हर्बल लाइफ नहीं यूज करना है तो उसके बाद भी आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना होगा, अच्छी डाइट खानी होगी, तब जाकर आप इस वेट को मेंटेन कर सकेंगे, अपनी फिटनेस को गेन कर सकेंगे। अगर आप वही खाएंगे फिर दोबारा जिसके कारण वेट इंक्रीज होता है तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ मिस एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट यूज ऑफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। तो एक चीज आपको लास्ट में और कहना चाहूंगा कि जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक अच्छी डाइट है, डाइटरी सप्लीमेंट है, ना कि कोई मेडिसिन है। अगर आप किसी तरह की डिसीज है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन वो भी आप यूज कर सकते हैं बट उससे उसकी क्योर नहीं होगी। आप अच्छी एक खाना खा के इन बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम पहले ही है, किडनी की प्रॉब्लम है तो आप हर्बल लाइफ को एज ए मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि इससे कोई क्योर होगा। आप बच सकते हैं अच्छी डाइट खाकर बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस से। तो आपने जो ट्रीटमेंट है वो करवानी है तो साथ में आप अच्छा खाना, अच्छा लाइफस्टाइल, अपनी ट्रीटमेंट के साथ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। दोस्तों अगर आप अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल एंड हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड इसको शेयर कर देना मैक्सिमम। तो अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल है जो सब्सक्राइब नहीं किया आप ये सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।